स्टार्ट करते हैं। ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 10 ईयर एनालिसिस। मैंने बेसिकली क्या किया है कि जितने भी 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के, उन सब में जो इम्पॉर्टेंट है या जो बार बार रिपीट हुए हैं, उन सबको एक जगह किया है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, या फिर 3 मार्क क्वेश्चन, या 5 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सब क्या है, मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली है या जिन्होंने बिल्कुल नहीं करी है, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने पढ़ाई कर ली है उन्हें ये सब चैप्टर के क्वेश्चंस को दोबारा देखना है, रिवाइज करना है। जिन्होंने नहीं करी है उन्हें इन्हें तो देखना ही देखना है, क्योंकि इन्हें करके आप जितने भी चैप्टर के मतलब मेन टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती जाऊंगी। इस जो भी ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसकी पीडीएफ भी मैं लिंक पर डाल दूंगी, अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप वहां से कर सकते हैं। बट एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब मैं पहले बात करूंगी 1 मार्क क्वेश्चन की। ये बेसिकली क्वेश्चन है जो लिखे हुए हैं, थोड़ा साइड का ख़राब आया क्योंकि प्रिंट अच्छा नहीं निकला था। नाउ 1 मार्क क्वेश्चंस में है, पीसीआर रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर कंडीशन वेयर मोस्ट ऑफ द एंजाइम गेट डीनेचर्ड, हाउ वाज द प्रॉब्लम सॉल्व इन पीसीआर। बेसिकली वो पूछ रहा है कि जो पीसीआर है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, ये सब जितना भी है ना, ये सारा एनसीईआरटी में दिया गया है, तो बोर्ड्स में जितना भी आता है अगर आपने एनसीईआरटी थॉरली पढ़ी है आपको बहुत आराम से आएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार 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 रिपीट किए गए हैं या अलग अलग तरह से पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को तो आप करिएगा ही जरूर। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन बैक्टीरियल डीएनए बी रिलीज फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज एक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस डिफरेंट फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस। याद रखिएगा ये 1 मार्क क्वेश्चन है, तो आपको बहुत छोटे छोटे आंसर देने हैं, बहुत बड़े आंसर नहीं देने हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल। बायोटेक्नोलॉजिस्ट रिफर्स टू एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेसेंस एज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स ऑफ प्लांट, गिव रीजन टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। ठीक है, मैं क्वेश्चन सिर्फ पढ़ रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ स्टेट द रोल ऑफ ट्रांसपोजॉन्स इन साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये भी एक क्वेश्चन था, ये काफ़ी पुराने पेपर में था, आई थिंक 2010 या 2009 में, आई एम नॉट श्योर मैंने कहाँ से ये वाला, कौन से ईयर से लिया है, बट इसको भी देखिएगा। मेंशन द टाइप ऑफ होस्ट सेल्स सुटेबल फॉर द जीन गन टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए। ठीक है, इस पे पैराग्राफ है, नेम द एंजाइम दैट आर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल सेल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ 8th क्वेश्चन है, नेम द मटेरियल यूज्ड एज मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड मेंशन इट्स रोल। व्हाट इज बायोपायरेसी, दैट इज 9th क्वेश्चन। बायोपायरेसी पे भी आपको एक लाइन का आंसर देना है। व्हाई डू चिल्ड्रन क्योर्ड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी नीड पीरियोडिक ट्रीटमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। सजेस्ट अ टेक्निक टू अ रिसर्चर हु नीड टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब आप एक चीज देखो, ये आपका है और आपका अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप देख रहे हो कि ये अलग क्वेश्चन है, बट अगर आपको ये टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला टॉपिक आता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये चीज़ क्या बताती है कि आप अगर 10 ईयर पेपर को उठाओगे भी ना, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कर लो तो आपका बेस भी बन जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन तो आप करिएगा ही, ताकि चैप्टर थॉरली आपको आ जाए और आपको एक्चुअली पता भी चले कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिस्कस द रोल द एंजाइम डीएनए लाइगेज प्ले ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे डीएनए लाइगेज आ गया। एक और चीज़ है, ये क्वेश्चन सिर्फ दिल्ली बोर्ड के लिए नहीं है, जो स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है मैंने वो भी उठाए हैं। ठीक है, इसको बनाने में मुझे टाइम लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक जगह से उठाया, मैंने कई जगह से क्वेश्चन उठाए हैं और उसके बाद ये खुद टाइप किया है। कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, वो आप लोग देख लीजिएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 2 मार्क क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जीईएसी सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ हाउ इज़ डी एन ए आइसोलेटेड इन प्योरीफाइड फॉर्म फ्रॉम अ बैक्टेरियल सेल। ठीक है, अब आप नोट करोगे कि ये जो क्वेश्चन है और जो पहले 1 मार्क क्वेश्चन था उसमें काफ़ी हद तक कुछ लिंक है। नाउ थर्ड, अ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए इज फॉर्म एंड स्टिकी एंड्स ऑफ वैक्टर डी एन ए एंड फॉरन डी एन ए ज्वाइन, एक्सप्लेन हाउ द स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड एंड ज्वाइन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन द नंबर ऑफ प्राइमर्स रिक्वायर्ड इन ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पीसीआर, राइट द रोल ऑफ प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर, गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिस्ट द की टूल यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज आरडीटी। 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। ये भी पूरा एक 2-3 लाइनों में समझाया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीआई प्लाज्मिड्स इन बायोटेक्नोलॉजी। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, लिस्ट द स्टेप्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये भी क्वेश्चन काफी इजी है।
नाइन्थ क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन बायोटेक्नोलॉजी. व्हाट हैपेंस व्हेन मेलोडीगाइन इनकॉग्निट शेयर कंज्यूम सेल्स विद आरएनएआई जीन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टेंथ क्वेश्चन, अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर विद अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड विद इन द जीन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बैक्टीरियम. एक्सप्लेन दिस मेथड दैट वुड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस. व्हाई इज दिस मेथड ये लिखा हुआ है सेलेक्ट मेथड ऑफ सेलेक्शन दैट इज ऑफ सेलेक्शन रेफर टू एज इंसर्शन इन एक्टिवेशन. ओके नाउ मेंशन द डिफरेंसेस इन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस. हाउ डज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन. मेंशन द डिफरेंसेस इन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस. सॉरी ये क्वेश्चन हो गया. नाउ ट्वेल्थ क्वेश्चन, नेम टू कॉमनली यूज बायो रिएक्टर, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अ बायो रिएक्टर. ठीक है. थर्टींथ क्वेश्चन है, वाई एंड हाउ बैक्टीरिया कैन बी मेड कॉम्पिटिटेंट, कि हम बैक्टीरिया को कॉम्पिटिटेंट कैसे बना सकते हैं कि वो चीज़ों को ले अपने अंदर कंज्यूम करें, मतलब इंसर्ट कर पाए, तो वो भी पूरा पैराग्राफ अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे और पहले के कई क्वेश्चन में देखेंगे लिंक है. ठीक है. नेम द डेफिशिएंसी फॉर विच फर्स्ट जीन थेरेपी वॉज गिवन, मैंशन द कॉज ऑफ एंड वन क्योर फॉर दिस डेफिशिएंसी. हाउ आर स्टिकी एंड्स फॉर्म्ड ऑन अ डीएनए स्ट्रेन, वाई आर दे सो कॉल्ड. ठीक है. ये हो गए आपके टू मार्क्स क्वेश्चंस. उसके बाद है 16th क्वेश्चन, व्हाट इज ई कोराय एंड हाउ डज ई कोराय डिफर फ्रॉम एन एक्सोन्यूक्लियस. तो यहाँ पे आपके जो टू मार्क्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द थ्री मार्क क्वेश्चन, हाउ हैज द डेवलपमेंट ऑफ बायो रिएक्टर हेल्प इन बायोटेक्नोलॉजी, नेम द मोस्ट कॉमनली यूज बायो रिएक्टर एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपने चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपस में बहुत लिंक्ड है. मतलब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन नया है. अगर कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो ये टॉपिक्स आपके लिए या क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है. नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ फॉलोइंग विद द, सॉरी ये मेरे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड प्लाज्मिड्स. ठीक है. थर्ड, व्हाट वाज द चैलेंजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक्स, हाउ डिड एली लिली प्रोड्यूस इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है. नेम द ऑर्गेनिज्म दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन विच द क्रायोजीन्स आर आइसोलेटेड, from which the cryogens are isolated, mention with the help of suitable example why and how biotechnologists have made use of cryogens. ठीक है. Now moving toward the fifth question, हमें role mention करना है, mention the role of selectable markers ORI and ROP in E. coli. ठीक है. और आपका ये भी लिखा हुआ है, सॉरी E. coli कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हुई हैं आई थिंक टाइप करते हुए, आप उनको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो ध्यान में रखिएगा. GM plants are helpful in many ways. How would you convince farmer to grow GM plants on their field? Explain giving three reasons. ठीक है. GM plants मतलब genetically modified plants. Name and explain the technique that help in separation of DNA fragments for DNA recombinant technology experiment. How can these separated DNA fragment be visualized? अब देखो ये जितने भी क्वेश्चन है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से कहीं ना कहीं ये लिंक हो रहा है, तो ये थ्री मार्क क्वेश्चन हो, टू मार्क क्वेश्चन हो, वन मार्क क्वेश्चन हो, टॉपिक क्लियर होना जरूरी है. इनको आप जरूर पढ़िएगा क्वेश्चन, आपके टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्वेश्चन किस तरह से आते हैं. नाउ नेम एंड एक्सप्लेन, सॉरी हाँ, नेम द स्पेसिफिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन इन डीएनए रेप्लिकेशन, राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एंजाइम, नेम द रीजन ऑन ई कोलाई डीएनए वेयर दिस एंजाइम कैन इनिशिएट रेप्लिकेशन. नाउ डिस्क्राइब द रोल ऑफ हीट प्राइमर्स एंड द बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर. अगर आपने पढ़ा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, तो आप समझ जाओगे कि दो तीन क्वेश्चन वही हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं कि हीट क्यों यूज़ होता है, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्यों यूज़ होता है, या फिर पीसीआर में क्या यूज़ होता है. बार बार क्वेश्चन सेम पूछे गए हैं. नाउ एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंसुलिन, एक्सप्लेन द significance of palindromic nucleotide sequence in the formation of recombinant DNA, right, the use of restriction endonucleus in the above process. ठीक है. Now how does agrobacterium tumefaciens act as a suitable vector in the biotechnological experiment, cite an example where it has been successfully used as a vector. ये जो क्वेश्चन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन क्राई ए बी, और इसमें लिखा हुआ है कि हम जब भी कॉर्न बोरर में ये डालते हैं तो क्या होता है, प्रिवेंट होता है. नाउ इस कैसे क्या चीज़ होती है उस प्लांट के बारे में आपको बताना है. ठीक है. 14th क्वेश्चन में आती हूँ, मॉलिक्यूलर सीजर क्या होता है, एक एग्जांपल देना है और उनका रोल बताना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उनका रोल क्या है. ठीक है. आपको एक्सप्लेन करना है कि ज़रूरी क्यों है या इंपॉर्टेंस क्या है ओआरआई की, एएमपीआर की. ठीक है. इसका एक डायग्राम, एक पैराग्राफ है, आप ये ध्यान में रखिएगा, ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है. 16th है डीएनए बीइंग हाइड्रोफिलिक, ये क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है, वो पास नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन से एक सेल की. ठीक है. तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं ताकि हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें या डीएनए को
ट्रांसफर कर सके. ठीक है, 17th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिलेक्टिवल मार्कर्स इन द डायग्राम्स ऑफ इक्वलाई वेक्टर शोन अबव. अच्छा, ये डायग्राम मैंने नहीं बनाया क्योंकि मतलब नहीं पेस्ट किया, क्योंकि वो आपको पता ही है कि दे रखा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं. बेसिकली मैंने सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं. हाउ इज द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइड्स कंसिडर बेटर मार्कर देन द वंस आइडेंटिफाइड बाय यू इन द डायग्राम. ये आपका AMP वाला जो डायग्राम है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, उसमें ये क्वेश्चन है. ठीक है, प्लाज्मिड इज अ बूम टू बायोटेक्नोलॉजी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट कोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. अब आप देखोगे ये वाला, ठीक है, और आपका अगर हम इंसुलिन वाला जो क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंसुलिन जो जस्ट हमने ऊपर देखा है, वो आपस में लिंक्ड है. ठीक है, तो टॉपिक मैं दोबारा बोल रही हूँ, रटो मत, टॉपिक्स को समझो. इस चैप्टर की मैंने वीडियो भी डाली हुई है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर की, अगर आपको याद करना है और थोड़ा समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखिएगा. दोनों चैप्टर की वीडियो मैंने डाली है. नेम द सोर्स and the types of cryogen isolated from it from the incorporation into crops by biotechnologist, and हमें explain करना है कि कैसे वो changes लाते हैं genetically modified crops के अंदर. तो यहाँ पे cryogen की बात हुई है, जो gene responsible है BT cotton को बनाने के लिए या फिर उसको resistant बनाने के लिए, और कैसे हम उनको कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे plants कैसे resistance attain करते हैं, sustain करते हैं. ठीक है, मैं क्वेश्चन को बहुत डीपली नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज था कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना कि क्या क्या चीज़ दी गई है, और दूसरी चीज़ इसकी PDF भी है. तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो या लग रहा हो कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो आप उसको PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा. आपको एक स्केच बनाना है PBR322 प्लाज्मिड का, लेबल करना है उसको, दो रिस्ट्रिक्शन साइट दिखानी है, ORI वगैरह दिखाना है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दिखाना है. ठीक है, Why are transgenic animal? ये क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक एनिमल के टॉपिक पे. ठीक है, हमें इंपॉर्टेंस बतानी है उनकी और कैसे वो हेल्प करते हैं वैक्सीन सेफ्टी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एक काउ का एग्जाम्पल शायद दिया गया है, रोजी काउ का, तो वो आप जरूर पढ़िएगा. ये उस पर कभी कभार 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है. Why is tag polymerase preferred in PCR? Mention the source of this enzyme. इस क्वेश्चन को देखोगे या 2-3 पिछले क्वेश्चंस को देखोगे, तो मैं दोबारा वही बात बोल रही हूँ कि ये लिंक्ड है. ठीक है, तो लाइक ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कितना पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ने हैं ताकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाए. नाउ 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में. ठीक है, अब इसमें भी यही है कि वैक्टर्स का रोल एक्सप्लेन करना है, और आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देके दिखाना है कि किस तरह से वो हेल्प करते हैं. ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में बताना है, ADA डेफिशिएंसी. ठीक है, इसके ऊपर भी एक पूरा टॉपिक है. हाउ इज जीन थेरेपी अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड व्हाई इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर. नेम द नेमाटोडा दैट इन्फेस्ट एंड डैमेज टोबैको रूट्स. हाउ आर द ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट प्रोड्यूस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये जो है, ये भी आपका जो था एक क्वेश्चन है, पिछले मैंने पहले पढ़ा है, उससे लिंक्ड हुआ हुआ है. ठीक है, ये आपकी NCERT में, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ. एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ. ये दोबारा हुई क्वेश्चन आ गया, ये भी 5 मार्क्स में भी आया हुआ, आई थिंक 3 मार्क्स में भी आया हुआ है, तो देखिए लिंक्ड है, टॉपिक पढ़िएगा. फिर है, हाउ इज मेच्योर इंसुलिन डिफरेंट फ्रॉम प्रो इंसुलिन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज इन ह्यूमन. कैसे आपका ये जो प्रो इंसुलिन है डिफरेंट है आपके मेच्योर इंसुलिन से. एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन फंक्शनल इंसुलिन प्रोड्यूस यूजिंग RDNA टेक्नोलॉजी. Why is the functional insulin thus produced considered better than those one used by diabetic patient? अब यही बताया गया है कि कैसे कैसे, ये सब उस पैराग्राफ में है, इनको भी आप पढ़िएगा. लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लोनिंग वैक्टर. सॉरी, डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक अ क्लोनिंग वैक्टर मस्ट पोजेस. वाई DNA cannot pass through the cell membrane? Explain. हाउ इज बैक्टीरियल सेल मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट DNA फ्रॉम द मीडियम. ये जो चीज़ें ना, इसके कई सारे प्रोसीजर्स दे रखे हैं, तरीके दे रखे हैं कि कैसे हम सेल को ऐसा बना सकते हैं कि वो मतलब DNA को जिसमें हम उसको इंसर्ट कर सकें. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनको समझना है, और इनको रटना नहीं है. ठीक है, अगर आप ये चैप्टर भी कर लेते हैं, तो आपका थोड़ा 10 मार्क्स जो है वो पूरा आपके हैंड मतलब आपके हाथ में होगा. ठीक है, आप उनको कवर करिए, 10 मार्क्स आपके हाथ में हैं, और इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और ये इसके जो PDF है या इसका डॉक्यूमेंट का जो लिंक है, वो मैं नीचे दे रही हूँ, उसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा. थैंक यू सो मच.